नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपका वेलकम करता हूँ मनोज अकेडमी क्लासेस वीडियो सीरीज के अंतर्गत। साथियों, बहुत ही लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है राजस्थान से। आप देख सकते हो, राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट लाइव। कुछ देर में सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक होगी। गहलोत गुट का 109 पायलट का 30 विधायकों के समर्थन का दावा। नई पार्टी भी बना सकते हैं सचिन। साथियों, इस खबर को पूरा सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक करना, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ में शेयर करना और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाना, जिससे कि मेरे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रह सको मेरे से कनेक्ट। तो साथियों, चलता हूँ खबर की ओर। आप देख सकते हो, आज 13 जुलाई 2020 की लेटेस्ट अपडेट है। गहलोत के राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट। आप देख सकते हो, राजस्थान के सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में नोटिस मिलने के बाद नाराज पायलट ने दावा किया है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, क्योंकि कांग्रेस और निर्दलीय विधायक उनकी पार्टी में हैं। आप देख सकते हो, सचिन पायलट विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में जांच कर रही एसओजी का नोटिस का मिलने के बाद से नाराज है। राजस्थान कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा है, हमारे पास 109 विधायकों के समर्थन पत्र सरकार बहुमत में है। सियासी उठापटक के बीच दो विधायक धर्मेंद्र यादव और राजीव अरोड़ा के घर आयकर का छापा। दोनों गहलोत के करीबी माने जाते हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास आवास पर कुछ देर में विधायक दल की बैठक होने वाली है। इसमें अनिवार्य रूप से हाजिर रहने के लिए पार्टी ने सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। इसके मुताबिक यदि कोई विधायक बिना किसी विशेष कारण के गैर हाजिरी रहता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इससे पहले रविवार शाम डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दावा किया था कि 30 कांग्रेस विधायक उनके समर्थक में हैं और राज्य की गहलोत सरकार अल्पमत में है। इसके साथ पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मनमुटाव को भी स्पष्ट कर दिया है। पायलट ने कहा है कि वह सोमवार को होने वाली विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि राजस्थान कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे ने दावा किया कि हमारे पास 109 विधायकों के समर्थन पत्र है, गहलोत सरकार पूर्णतः बहुमत में है। सरकार से जुड़े बड़े अपडेट्स। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट आज नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस के एक तिहाई विधायकों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इस तरह प्रदेश में तीसरे मोर्चे का गठन हो सकता है। प्रगतिशील कांग्रेस के नाम से तीसरा मोर्चा खड़ा करने की संभावना है। दो विधायकों के घर सोमवार को इनकम टैक्स के छापे मारे गए हैं। विधायक धर्मेंद्र यादव और राजीव अरोड़ा के घर विभाग की टीमें पहुंची हैं। दोनों गहलोत के करीब बताए जा रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि पायलट से बात करने की कोशिश की है, मैसेज भी किया है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया है। वह पार्टी से ऊपर नहीं है। एसओजी के नोटिस के बाद से पायलट नाराज। आप देख सकते हो, दरअसल पायलट विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच कर रही एसओजी का नोटिस मिलने के बाद से ही नाराज है। उन्हें कांग्रेस और कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। इस बीच सीएम गहलोत ने रविवार रात 9 बजे विधायकों के साथ बैठक की। इसके बाद गहलोत समर्थक विधायक ने दावा किया कि हमारे जितने विधायक जाएंगे उससे ज्यादा विधायक हम भाजपा से ले आएंगे। पूरे विवाद के बीच दिल्ली गए 3 विधायकों की सीएम हाउस में प्रेस वार्ता। दिल्ली गए कांग्रेसी विधायक दानिश अबरार, चेतन डूंडी और रोहित बोरा ने जयपुर लौटकर कहा कि वह निजी कारणों से दिल्ली गए थे। अगर मीडिया कहता है कि हम इस वजह से वहां गए या उस वजह से वहां गए तो ये हमारी समस्या नहीं है। हम किसी भी विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम कांग्रेस के सिपाही हैं और आखिरी सांस तक कांग्रेस के साथ रहेंगे। देर रात मुख्यमंत्री आवास में खाने पर 115 विधायक पहुंचने का सरकारी दावा। आप देख सकते हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार रात सरकार के सभी मंत्रियों विधायकों को सरकारी आवास पर खाने पर बुलाया। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। करीब 115 विधायक इस रात्रि भोज में शामिल हुए हैं। क्या कहता है समीकरण, आप देख सकते हो। पायलट का दावा है कि उनके संपर्क में 30 से ज्यादा विधायक है। इसे सही माने तो गहलोत सरकार अल्पमत में आ जाएगी। कांग्रेस के 107 में से 30 विधायक इस्तीफा देते हैं तो सदन में विधायकों की संख्या 170 हो जाएगी। ऐसे में बहुमत के लिए 86 है जो विधायकों की जरूरत होगी। 30 के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के पास 77 विधायक बचेंगे। एक आरएलडी विधायक पहले से उनके साथ है। कांग्रेस की कुल संख्या 78 होगी, यानी बहुमत से 8 कम। उधर आरएलपी के 3 विधायक मिलाकर भाजपा के पास 75 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए भाजपा को निर्दलीय तोड़ने होंगे। प्रदेश के 13 विधायकों में फिलहाल 10 कांग्रेस के समर्थक में हैं। अगर इसमें से भाजपा 8 विधायक अपनी तरफ कर ले तो सरकार बनना सकती है। एसओजी जांच में सामने आई विधायकों को 25 करोड़ देने की बात। एसओजी के अनुसार
उसने अवैध हथियार और विस्फोट सामग्री की तस्करी से जुड़े मामले में मोबाइल नंबर 9992229009 और 8949065678 को सर्विलांस पर लिया हुआ था। सर्विलांस पर लिए गए मोबाइल की बातचीत में सामने आया कि राज्यसभा चुनाव से पहले सरकार गिराने की साजिश रची गई थी। विधायकों को 25 करोड़ रुपये देने की जानकारी भी सामने आई है। विधायकों को पैसे देने के मामले में एसीबी ने शनिवार को 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें महुआ से ओम प्रकाश हुड्डा, अजमेर किशनगढ़ से सुरेश टाक और पाली मारवाड़ जंक्शन से निर्दलीय विधायक कुशवीर सिंह शामिल है। आपको हम एक सारणी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो राजस्थान विधानसभा की मौजूदा स्थिति, कुल 200 सीट है, पार्टी और विधायकों की संख्या। कांग्रेस के पास में 107 विधायक हैं, भाजपा के पास में 72 विधायक हैं, निर्दलीय टोटल हैं जो 13 हैं, और आरएलपी के 3 विधायक हैं, बीटीपी के हैं जो 2 हैं, लेफ्ट के 2 और आरएलडी के 1 विधायक हैं। राजस्थान की विधानसभा में दलीय स्थिति को देखें तो कांग्रेस के पास 107 विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा सरकार को 13 निर्दलीय और एक राष्ट्रीय लोक दल के विधायक का भी समर्थन है। गहलोत सरकार के पास 121 विधायकों का समर्थन है। उधर भाजपा के पास 72 विधायक हैं। बहुमत जुटाने के लिए कम से कम 29 विधायक और होने चाहिए। तो साथ ही इस प्रकार से राजस्थान की सियासत से संबंधित यह लेटेस्ट अपडेट है। और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे मनोज एकेडमी चैनल के साथ में बने रहिए। फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, जब तक के लिए नमस्कार।